हेलो एवरीवन गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो आप देख रहे हो गाइस न्यू इंडियन एरा। और इसके पहले की वीडियो में क्या हमने पढ़ा था, थोड़ा सा आपको समराइज करा देता हूँ। हमने देखा था गाइस कि कभी भी अगर एक कोई वायर है, जैसे कि आपके घर में वायर लगी होती हैं, वही कोई भी अगर आपके पास वायर है और उसमें से अगर कोई भी करंट पास हो रहा है, सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या होता है कि इनके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, इनके अंदर ऐसी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मतलब उसके अगल बगल, जैसे कि आपके पास अगर वायर है, ऐसा एक वायर है तो उसके अगल बगल ऐसा राउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। समझ रहे हो मेरी बातें, ऐसा इसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। अब अगर इसके बीच में अगर आप कुछ भी लेके आओगे तो वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि अगर कोई बॉडी लेके आओगे तो वो बॉडी फोर्स को फील करेगी और वो फोर्स का डायरेक्शन इस वायर की तरफ रहेगा, ठीक है, जो कि हम उसे लॉरेंट्ज फोर्स टोटल कहते थे, हमने फाइंड किया था अच्छे से मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये बातें तुमको अच्छे से समझ के रखनी है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो बस अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि कभी भी अगर एक वायर है और उस वायर में से अगर सपोज दैट आपके सामने कभी भी करंट पास होता है तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से, तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्रोड्यूस होगा। मतलब सिर्फ इतना याद रखो यार कि अगर कोई एक वायर है और उसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उसके अगल बगल एक टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना। तो कोई भी चीज़ अगर उसके अगल बगल आएगा तो उसके ऊपर वो एक फोर्स अप्लाई करेगा और अपनी तरफ उसे खींचेगा और उस फोर्स का नाम होगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो गाइस आज हम लोग को इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में समझना है। ये इलेक्ट्रिक मोटर है अपना और इसके बारे में आप जानते ही रहोगे, 10th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 4 10th क्लास में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में आपने पढ़ा है, साइंस 1 का चैप्टर नंबर 4। हो सके तो एक बार जाके और उसे पढ़ लेना, 2 मिनट का काम है, ठीक है। सो इसको ध्यान रखो अच्छे से। ये क्या है आपका, ये है आपका इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग, ठीक है। तो ये आपके बीच में गाइस, इसको चलो मैं अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ। ओके गाइस, ये रहा हमारे पास दो दो मैग्नेट, ये अपने पास एक मतलब दो मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, बीच में अपने पास एक कॉइल है, कॉइल में से यहाँ से हमने कोई भी एक सर्किट यहाँ पे लगाते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे आपने देखा होगा क्लास 10th में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से एक सर्किट लगाते हैं ऐसे, और यहाँ से करंट ऐसे जाता है और ऐसे आता है। मैंने इस कॉइल को कैसे कर दिया है, इस कॉइल को गाइज मैंने ऐसा कुछ बना दिया है, गाइज आपको ध्यान रखना है कि ये ABCD ऐसे मैंने नाम दे दिया है। ये कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल है, पहली बात ध्यान रखना, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कैसे होता है, कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल रहता है, ये इसका लेंथ होता है, ये इसका ब्रेथ होता है। फिलहाल मैं ब्रेथ को भी क्या करूंगा यहाँ पे, मैं इसको भी L2 लेने वाला हूँ पूरे आपके अपने इस थियरी में, और इसको L1 लेने वाला हूँ, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप समझ चुके, पूरी रेक्टेंगुलर कॉइल है, ओके। अब यहाँ पे फोकस करो, तो ये है अपनी, जब कभी भी नॉर्थ से साउथ में जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। अब उसके बीच में मैंने एक कॉइल डाल दिया, समझ रहे मेरी बातें, मैंने यहां पे क्या कर दिया, एक कॉइल डाल दिया है। चलो अब यहां पे ध्यान देना है कि ये कॉइल ऐसे मूव करती है, ऐसे ऐसे, मतलब ये ऐसे नीचे ऊपर ऐसे ऐसे मूव करती है, और जब ये मोशन परफॉर्म करती है तो इलेक्ट्रिक मोटर बन जाता है ये आप इसके वर्किंग को आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक है। बट ये ऐसा कौन सा फोर्स इसमें अप्लाई होता है जिसकी वजह से ये ऐसा मूव करने लगती है, वो जो फोर्स होता है उसको हम फिलहाल टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम फिलहाल टॉर्क कहते हैं। वो टॉर्क ही ऐसा एक फोर्स होता है जो यहां पे अप्लाई होता है, लेकिन ये टॉर्क क्या होता है ये जानो, टॉर्क को फिलहाल फील करो तुम लोग जो मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि सपोज ये आपके पास एक ऐसा कोई भी चीज है, सपोज दैट ऐसा कोई भी है कि आपके साथ पास ये चीज है, ठीक है, सपोज मार्कर है, तो अगर मैं यहां पर इसको ऐसा ऊपर लगाऊं फोर्स, ये एक यहां पे एक यहां पे, अगर मैं इसको ऊपर फोर्स लगाऊं तो ये ऊपर जाएगा, और उसी टाइम पे मैं नीचे भी फोर्स लगाऊं, मतलब ऊपर ये नीचे, तो ऐसा घूम गया है, मतलब मेरी बातें समझ रहे हो। अगर मैं इसको ऊपर से फोर्स लगाऊं और उसी टाइम पे मैं इसमें ऐसा नीचे से फोर्स लगाऊं तो ये ऐसा पूरा ऐसा गोल गोल घूम जाएगा, ये समझ रहे मेरी बातें, ये ऐसा घूम जाएगा। तो ये जो फोर्स होता है इसे हम टॉर्क कहते हैं। लग तो फोर्स रहा है लेकिन कैसा फोर्स, साइड में टर्मिनल में, एक इधर तो एक नीचे वाला, उसके एग्जैक्ट अपोजिट नीचे की तरफ, इक्वल फोर्स। अगर ये 10 न्यूटन से इधर ऊपर लगा रहे तो 10 न्यूटन से नीचे की तरफ लगाओगे, मतलब ये ऊपर के डायरेक्शन में तो ये नीचे के डायरेक्शन में, एग्जैक्टली अपोजिट, और यही फोर्स होता है टॉर्क। एक ऐसा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जिसकी वजह से मूवमेंट होता हो उसे हम टॉर्क कहते हैं। और अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो बहुत सारे होते हैं, बट उनके वजह से अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो तुमको समझना है कि वो आपका टॉर्क नहीं है, ठीक है। तो चलो यहां देखते हैं किधर टॉर्क है। तो हमने ऑलरेडी देखा था गाइस पहले से कि अगर कोई भी आपके सामने एक वायर है, वायर में से करंट पास होता है तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वैसे ही हम अभी यहां पे क्या मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो यहां पे तो हम खुद ही मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से ही प्रोड्यूस करवा लिए।
अब चाहे वो किधर का भी मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड ही रहेगा। तो यहां पे हमने कॉइल रख दिया और यहां पे हमने इस तरीके से करंट पास कराया, ठीक है, करंट पास कराया। तो अब किस तरीके से इसमें वो टॉर्क फोर्स प्रोड्यूस होगा हम ये जानते हैं, ठीक है। तो गाइज मुझे अब फोर्स के डायरेक्शन को चेक करना है। तो सपोज अगर मुझे इधर चेक करना है तो देखो, मैंने इसके पहले के कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपने पास चार रूल होते हैं, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मैंने जब राइट और लेफ्ट की बात की थी तो मैंने बताया था गाइस कि आपको ये रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका करंट रहेगा, समझ गए, मैंने ऐसा बताया था। लेकिन फ्लेमिंग लेफ्ट और फ्लेमिंग राइट की जब बात करूंगा तो यहां पे आपको एक चीज समझ के रखनी है कि ये जो आपका इस तरीके से ये जो मिडल फिंगर है, ये मिडल फिंगर आपका यहां पे मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, ये जो है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, जो ये है ये आपका करंट शो करेगा और ये आपका फोर्स शो करेगा। फ्लेमिंग, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करो, नॉट राइट हैंड रूल, ओके, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट का नाम था, ओके। चलो तो यहां पर इसको मैं अप्लाई करता हूं, आप ऐसा पहले कर लो, ठीक है, ये आपका फोर्स है, ये आपका फोर्स है फिंगर, ये जो है आपका करंट दिखाएगा, ये जो है आपका क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब यहां पे आपको ध्यान देना है, फोर्स आपको यू समझेगा, ठीक है गाइस, ध्यान देना। तो ये मेरा करंट है, करंट भी आपका करंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका करंट हो गया और ये आपका फोर्स, यानी कि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये दिखा रहा है, ये आपका करंट दिखा रहा है, देखो करंट दिखा रहा है और ये आपका फोर्स, मतलब जब करंट यहां से इधर जाएगा तो आपका जो फोर्स रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। अब ऊपर तो मैं ऐसे दिखाऊंगा ना 2D में यार, ऊपर ऐसा मतलब ऊपर, ऊपर की तरफ, ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा और एक दूसरे से पूरा कनेक्टेड, ये ऊपर आएगा। और जब यहां की बात करता हूं, यहां पर बात करते तो ध्यान देना क्या होगा कि इस तरीके से कुछ, देखो तो अभी क्या है, ये आपका करंट है, तो ये आपका करंट है, मतलब कि अब आपको यहां पे एक चीज समझनी है कि ये क्या है आपका करंट है और ये आपका, देखो इस तरीके से आपका करंट है, ध्यान देना अच्छे से। अब थोड़ा सा मैं उल्टा करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, उल्टा ऐसा हाथ लगाना पड़ेगा मुझे। तो ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है, तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड और ये ऊपर करंट, तो ये फोर्स किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, फोर्स अंदर जा रहा है, समझ रहे हो। ये क्या है, करंट ऊपर, ये फिंगर करंट है, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये फोर्स अंदर जा रहा है, मतलब इसमें फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। तो ए और बी में कौन सा फोर्स लग रहा है, ये है मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ, मतलब आपके सामने आ रहा है, और ये अंदर की तरफ जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, मतलब जो सीडी है वो अंदर जाता है, ए भी ऊपर आता है। तो इस तरीके से गाइस जब एक ऊपर आएगा और एक उसी टाइम पे अंदर जाएगा तो ये एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और इसके वजह से पूरी क्वाइल ऐसे घूमने लगेगी, दिस इज द मूविंग क्वाइल, समझ गया। तो ये बातें तुमको ध्यान रखनी है, ओके। तो इसी को हम टॉर्क कहते हैं और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द टाऊ। और हमने 11th में सीखा था कि जो टॉर्क होता है किससे मिलता है, टॉर्क एग्जैक्टली में फोर्स होता है। और अभी भी हमने सीखा है कि फोर्स किससे मिलता है, आई एल बी साइन थीटा से, किससे मिलता है, आई एल बी साइन थीटा से, वेयर आई इज द करंट मूविंग थ्रू द क्वाइल, लेंथ हियर इज द लेंथ, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ पोल मैग्नेट्स, एंड साइन थीटा रिप्रेजेंट्स दैट लेंथ एंड ब्रेथ शुड बी इन परपेंडिकुलर। यानी कि देखो आप यहां पे थोड़ा सा आपको दिख गया होगा अच्छे से कि ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द क्वाइल, यहां पे बन रहा है 90 डिग्री, यहां पे क्या बन रहा है 90 डिग्री, और जब 90 मतलब परपेंडिकुलर है, और स्केलर वेक्टर आपने पढ़ा है कि जब लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड आपका यहां पे क्या रहेगा, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड है, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड आपके क्रॉस में है, यानी 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, और इसीलिए यहां पे साइन थीटा बन रहा है, ओके। तो इस तरीके से आपका टॉर्क मिलेगा आई एल बी साइन थीटा से। मैं अभी आपको कंप्यूटर की स्क्रीन में लेके जाऊंगा, पूरी थियरी को अच्छे से समझाता हूं। तो बस इसको आपको याद रखना है कि ये आपका मिडल फिंगर, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात कर रहा हूं, नॉट लेफ्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये आपका क्या रहने वाला है, ये रहेगा आपका यहां पे फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका रहेगा करंट, ये रहेगा फोर्स। तो अगर ऐसा आ रहा है, ऐसा आपका अगर फोर करंट है, दिस इज द करंट, करंट तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट और ये आपका ऊपर की तरफ फोर्स, तो ये ऊपर उसी टाइम पे ये नीचे जाएगा तो ये एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, है तो फोर्स बट टॉर्क है क्योंकि इक्वल इक्वल टर्मिनल में इधर से भी और इधर अंदर, तो ये इस तरीके से आपका फोर्स यहां पर प्रोड्यूस होता है, तो दिस इज द टॉर्क, ठीक है, इसी को आपको ध्यान रखना है। तो गाइज आपने प्रैक्टिकली देखा ही होगा अच्छे तरीके से कि किस तरीके से अपना ये पूरा वर्क करता है, मतलब जो आपका बीच में से सेंट्रल एक्सिस है, ये पूरा यहाँ पे जो आपका रेक्टेंगुलर एक क्वाइल है, रेक्टेंगुलर क्वाइल है, टॉर्क क्या होता है आपने जाना, ठीक है, फिर ये फोर्स ऊपर जाता है तो ये फोर्स नीचे आता है और ये पूरा एक मूवमेंट बनाता है, मतलब हाफ मूवमेंट इधर से और हाफ मूवमेंट इधर से,
ठीक है, मतलब टोटल मोमेंट की अगर बात करूं तो हाफ इधर से रहेगा और टोटल मोमेंट हाफ इधर से रहेगा। फिर हमने लेंथ देखा कि इसका लेंथ अगर मान लो L1 है तो इसको L2 ले लिया। फिर ये फोर्सेस हैं, यहाँ के फोर्सेस जो होंगे एक दूसरे के अपोजिट है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कट कर देंगे। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है, और कभी भी नॉर्थ पोल से जो अपनी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं नॉर्थ से साउथ में जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें गाइस हमने देखी। अब चलो हम इसके थोड़ा से इसके जो भी आपका यहाँ पे थियरी है उसको थोड़ा समझते हैं फटाफट। अब तो आपको समझ गया, बस यहाँ पे आपको बताना है कि क्या कैसे लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो अब कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि इधर से और इधर से जो जाएगा हाफ हाफ आगे पीछे जब अप्लाई होगा, ये एफ एम ऊपर और ये मैग्नेटिक फोर्स नीचे, ये जो अप्लाई होता है तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है, मतलब एक हाफ मूवमेंट इधर से और हाफ मूवमेंट इधर से, तो इसको हम टॉर्क कहते हैं, ठीक है। सो गाइस ये जो टॉर्क है ना, ये टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा यही हमको फाइंड करना है। तो कंसीडर कर लो कि अब वही अब लिखना है ना, तो किस तरीके से लिखोगे, शॉर्ट में एकदम मैंने बताया है, ठीक है। सो एक सपोज आपके पास क्वाइल है जो कि रेक्टेंगुलर क्वाइल है, रेक्टेंगुलर, ठीक है, शेप की है, जिसको हमने ए बी सी डी से डिनोट किया है, ओके फाइन चलवाएंगे। जो क्वाइल है गाइस वो नॉर्थ और साउथ पोल वाले मैग्नेट के बीच में रखी गई है। तीसरा पॉइंट यही है कि नॉर्थ से साउथ में एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी वजह से एक आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स आपके पास प्रोड्यूस होगा और वही टॉर्क को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। टॉर्क मतलब ये ऊपर की तरफ फोर्स और ये एक नीचे की तरफ फोर्स, और इसकी वजह से अपनी कॉइल क्या होगी, ए बी वाला ऊपर जाएगा तो सी डी वाला नीचे आएगा, फिर ए बी वाला नीचे आएगा तो सी डी वाला ऊपर जाएगा, और ऐसा करके कॉइल अपनी बार बार ऐसे ऐसे रोटेट होती है, समझ गया। तो ये बात तुमने जान लिया। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा फोर्सेस के बारे में जान लो। अब देखो फोर्सेस तो इस कॉइल के चारों तरफ होंगे, चार साइड है कॉइल के, एक ए बी है, बी सी है, सी डी है, ए डी है, ऐसे चार साइड हैं, ठीक है। करंट यहाँ से जा रहा है और यहाँ से इस तरीके से आ रहा है, ये हमको पता है। तो चलो थोड़ा फोर्सेस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जो गाइस सी डी में है, सी डी में ये वाले एरिया में जो है फोर्स, उसे हम एफ वन कहते हैं, देख लो यहाँ पे अच्छे से मैंने इस तरीके से लिख दिया है, आपकी बुक में ऐसा नहीं दिया है। फिर उसके बाद एफ टू जो है वो आपका ए डी में है, देखो यहाँ पे जो है वो एफ टू है, ठीक है, ये F2 है, ये आपका F1 है, ओके। ऐसी F3 जो है, F3 वो AB में है, देखो यहाँ से आ रहा है, ये आपका F3 हो गया, ये आपका F3 हो गया। फिर ऐसे F4 जो है वो CB में है, यहाँ पे देखो आपका F4 है। चलो गाइज ठीक है, ये आपने जान लिया। तो नाउ गाइज अभी हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि देखो यहाँ से जो फोर्स है उधर से तो लगेगा ना, इधर से ही जाएगा, तो ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, ये F2 और F4 ये एक दूसरे के अपोजिट में है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से इधर से। अब थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा ना थोड़ा सा किस तरीके से है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से आप जाओगे ना, तो ये F2 और इधर से F4, फोर्स तो इक्वल है बट अपोजिट है, तो अपोजिट है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कभी भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। चलो दूसरी बात आपको एक बात और थोड़ा सा इमेजिन करवाऊंगा। मान लो सपोज आपके पास ये जो क्वाइल है, मैंने इसको ऐसे ही पकड़ा, मैं अभी कहाँ दिख रहा हूँ, इस साइड से दिख रहा हूँ, अभी जो आपके सामने ये डायग्राम, ये ऊपर से आप इसको व्यू करके देख रहे हो, ऊपर से 3D में आप इमेजिन कर रहे हो, थोड़ा इमेजिन करो अच्छे से। और जब मैं इसको फ्रंट पे देखूंगा, सामने तरफ से इस तरफ से देखूंगा, तब तो ये कैसे दिखेगा जानते हो, ये कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ से इस तरीके से इससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जाएंगे, ऐसे जाएंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, और ये मुझे ये कॉइल ऐसे दिखाई देगी, जो कॉइल होगी कुछ ऐसे दिखेगी मुझे। तो अब मुझे बताओ ये कॉइल और इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बीच में कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है कि नहीं है, 90 से कम होता है एक्यूट एंगल, तो जो एंगल रहेगा वो 90 माइनस थीटा रहेगा, ठीक है। कहाँ से देखूंगा, जब साइड से व्यू करूंगा, किनारे से देखूंगा मैं उसको, तभी, समझ गया अच्छे से। तो जो F4 है, F4 यानी कि जो इधर ये F4 है, ये हमेशा एक्यूट एंगल ही बनाएगा, अगर बनाएगा तो, हम सारे फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे बता दूं गाइस आपको कि मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट कि जो अपना AB है, अब रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका लेंथ इनटू ब्रेथ जो होता है मतलब विड्थ जो रहती है, सो उसका एरिया होता है, तो मैंने इसको L1 मान लिया, और जो आपके पास दूसरा है CB, इसको मैंने L2 मान लिया, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से साउथ में आ रही है, बीच में मैग्नेट है, तो ये L1 हो गया और ये अपना L2 हो गया, ये बातें आपको समझ के रखनी है। अगर मैं अब आपको यही चीज यहाँ पे जाननी है, CB इधर पे एक्चुअली, यहाँ ये CB इधर पे है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से पूरा गायब कर देता हूँ, और CB इधर पे, ये रहा है आपका L2, मतलब कि देखो अगर मान लो आपके पास ये रेक्टेंगल है तो ये हो गया आपका L1 और ये हो गया आपका L2, मतलब विड्थ जो रहेगा वो L2 है और L1 आपका लेंथ हो गया, मतलब ये आपका लेंथ हो गया और ये आपका ब्रेथ हो गया, तो ब्रेथ है अपना L2 और ये हो गया अपना L1, समझ गया अच्छे से। सो वही चीज हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली पहले से, सो सिंपल यार, इसमें समझने वाली बात ही नहीं है। और ये 90 माइनस थीटा है, ये आपको जानना है, मैंने इधर से देखा तब ऐसे पता चला कि F4 जो रहेगा, इस साइड F4 प्रोड्यूस हो रहा था, F4 देखो CB में, CB में F4 है, फोर्स सारे फोर्स चारों तरफ से अप्लाई होते हैं, तो मैंने F4 उसका नाम दे दिया, ठीक है।
तो गाइज ये बात ध्यान देना अच्छे से, ओके। चलो अब हमने 11th में पढ़ा था कि जो अपना फोर्सेस, या फिर अभी भी हमने दिखाया पहले पार्ट में मैंने बताया है कि जो फोर्स है वो कितना था, आई एल बी, आई इज द करंट, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एनी वायर और एनी क्वाइल, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड यहाँ पे साइन थीटा हमने लिया था। तो यही फोर्स है, और फिलहाल फोर्स को हम यहाँ पे टॉर्क कह रहे हैं, टॉर्क, ठीक है, जो ऊपर नीचे दोनों तरफ अप्लाई हो रहा है, टॉर्क है। तो इंडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ, टॉर्क दैट इज फोर्स इज गिवन बाय आई एल टू साइन 90 माइनस थीटा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, एकदम चिंदी सा ही है। तो एफ फोर के फोर्स की अगर मैं बात करूँ, तो एफ फोर के साइड में बात करूँ, मतलब इधर साइड में बात करूँ, तो उधर साइड में लेंथ कितना है, एल टू है, तो यहाँ पे मुझे आई एल टू, करंट तो पूरा सेम रहने वाला ना, एल टू, और बी मैग्नेटिक फील्ड सेम रहने वाला है, और साइन 90 माइनस थीटा आएगा यहाँ पे अगर मैं एफ फोर की बात करता हूँ। तो कभी भी अगर आपको ऐसा बोल दिया कि लेटरल साइड में या किनारे की तरफ अगर आपको फोर्स चाहिए, तो आई एल बी साइन थीटा मत लिखना, साइन 90 माइनस थीटा लिखना, क्योंकि वहाँ पे कैसा एंगल बनता है, ऐसा एक्यूट एंगल बनता है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो गाइस वही चीज है कि जो अपना F2 है और F4 इक्वल एंड अपोजिट है, इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। बट F1 एंड F3 की अगर बात करूं मैं, देखो यहाँ पे अच्छे से अगर मैं F1 की बात करूं, देखो यहाँ पे है आपका F1, ये रहा आपका यहाँ पे F1, इधर है, हाँ देखो यहाँ पे अच्छे से। सो ये F1 जो है CD की तरफ, CD में जो यहाँ पे देखो, ये आपका CD में F1 है, और जो आपका यहाँ पे अच्छे से F3 देखो, AB यहाँ पे F3 है, इधर ही मैं लिख रहा हूँ बगल में, ठीक है। तो ये F1 और ये F3 है, ये तो कभी कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं को तो हमें फाइंड करना है। यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज आएगी, यहाँ से आपका इस तरीके से फोर्सेज प्रोड्यूस होगा। तो जो F1 है और जो F3 है, ये तो एकदम जैसे कि आपका देखो, ये क्वाइल हो गया, तो इधर से ये देखो F1 और यहाँ से ये आपका F3, तो यहाँ से कौन सा एंगल बना रहे, 90 बना रहे, दिख रहा है आपको 90 बना रहे, बट यहाँ पे था तो कैसा था, एक्यूट एंगल था, यहाँ से कैसा था, 90 माइनस थीटा था, जो कि F4 के लिए था, और ये आपका F1 हो गया। समझा कि नहीं अच्छे से, इस तरीके से आपको समझना है, मतलब ये आपका F2 हो गया एक्चुअली, और ये आपका F1 है, और ये आपका F3 है, फोर्स है यार बस, और क्या उसमें चाहिए। तो F1 एंड F3 90 बन रहा है, तो जो इनका फोर्स होगा क्या रहेगा, अब यहाँ पे लेंथ हमने L1 लिया है, तो IL1B sin 90, और sin 90 कितना होता है 1, इसीलिए IL1B आपका टोटल फोर्स आ जाएगा F1 साइड का और F3 साइड का, और F1 F3 तो आपके पास टोटल रिमेनिंग है, और आपको देखा होगा अभी आपने कि जो टॉर्क है, मेन टॉर्क यहीं से प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे टॉर्क यहीं से प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब अपना जो टॉर्क मिलेगा वो L1 और मतलब कि जो आपका F1 और F3 से ही मिलने वाला है, क्योंकि F4 और F2 तो कैंसिल हो गए, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है ना, इसके लिए कैंसिल हो गए, समझ गया, उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो चलो देखते हैं कि F1 और F3 तो भाई सेम लाइन में भी नहीं है ना, जैसे कि ये देखो सेम लाइन में थे, ये सेम लाइन में नहीं है, ये डिपेंड होते हैं मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर। चलो इसको देख लेते हैं कैसे आपका ये टॉर्क मिलेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये जा रहा है कि टोटल मोमेंट कितना है, वही मैंने बताया ना, हाफ L2 साइन थीटा, कैसे आपको अभी बताया ना, टॉर्क कैसे रहेगा, टोटल मोमेंट, ये जो आपकी क्वाइल है, ये क्वाइल कैसी रहेगी, क्वाइल ये आधी ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाएगी तो हाफ जाएगी ना, और उसी टाइम पे ये हाफ नीचे जाएगी, तो ये आधा ऊपर घूमेगा और ये आधा नीचे घूमेगा, ये आधा ऊपर घूमेगा, आधा ये नीचे घूमेगा, फिर ऐसे और होगा, फिर ये और आगे आएगा, ऐसा कर करके पूरा एक क्वाइल अपना मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यही तो अपना टॉर्क होता है, ठीक है। सो ये जो मोमेंट हो रहा है कैसा हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो L2 साइन थीटा तो लगाना ही है, और 1/2 हाफ L2 साइन थीटा से गिवन हमको मिलता है मोमेंट अपना, टोटल मोमेंट, जो कि हाफ होता है F1 और F3 के बीच में, ठीक है, जो फोर्सेस होते हैं। तो टॉर्क कितना होगा F1 और F3 का, टोटल टॉर्क, तो जो अपना पहली बात अभी हमने फाइंड किया, जो फोर्स है वो तो IL1B है, तो IL1B अपना यहाँ पे फोर्स आ गया, देखो IL1B दोनों के लिए, और जो टोटल मोमेंटम है, जो टोटल मोमेंट है टॉर्क का, हाफ मोमेंट इधर, फिर हाफ घूमेगा, अभी आपको दिखाया ना मैंने, फिर ऐसे इधर ये हाफ घूमेगा, सो हाफ यहाँ पे 1/2 L2 और ये 1/2 L2, ये हाफ हाफ आपका मोमेंट आ गया। सबको कॉमन ले लो जरा, तो IL1B, आई यहाँ पे बस फोकस करो, IL1 और B, ये देखो यहाँ से ऐसे इन दोनों को कॉमन ले लिया, फिर ये 1/2 L2 sin थीटा और 1/2 L2 sin थीटा, आधे आधे है ना, हाफ L2 sin थीटा, हाफ L2 sin थीटा, ऐड कर दूंगा तो टोटल L2 sin थीटा हो जाएगा, देखो यहाँ पे L2 sin थीटा ओनली मिलेगा, हाफ हाफ जुड़ के कितना होता है, 1 होता है ना हाफ हाफ यार, तो यहाँ पे L2 sin थीटा आ जाएगा। तो इसको मैंने ऐसा कुछ अरेंज करके लिख दिया कि L1 L2 ये आपका लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब देखो ये आपका L1 हो गया और ये आपका L2 हो गया, मतलब ये ब्रेथ है और ये आपका लेंथ है, लेंथ इनटू ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया कहलाता है, तो ये आपका लेंथ इनटू ब्रेथ कहलाएगा, ये बात आपको जाननी है। तो ये आपका क्या हो गया, एरिया हो गया किसका, रेक्टेंगल का, ओके। चलो अब गाइस आपको एक बात बता दूं, जो क्वाइल होती है, ये थोड़ा समझना है,
कॉइल गाइस सिर्फ एक वायर से नहीं बनती है, ये जो कॉइल होती है वो एक वायर से नहीं बनती है। ये आपका टॉर्क आपको मिल गया है, जो हाफ टॉर्क होगा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, टोटल टॉर्क। ये आपको टोटल टॉर्क आई L1 L2 बी साइन थीटा से मिल गया। L1 L2 इज द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। I is the current passing through that coil. B is the magnetic field produced by the magnet. And sin theta represents that magnetic field and your coil is having 90 degree angle. समझ गया? क्योंकि आपने देखा होगा वेक्टर वाला स्केलर वाला क्रॉस होते हैं ना, क्रॉस क्रॉस से हम 90 को दिखाते हैं। जैसे कि अगर मान लो B बार और क्रॉस L बार, ये मतलब आपका परपेंडिकुलर शो कर रहा है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको sin theta ही लेना पड़ेगा। या अपने चैप्टर नंबर आपके फिजिक्स में 2 या 3 में देखा था 11th क्लास में, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे आ जाओ फिलहाल। तो कभी भी जो कॉइल होती है वो एक ही वायर से नहीं होती है, बहुत सारे एन नंबर ऑफ वायर्स होते हैं ऐसे, बहुत ज्यादा एकदम कॉपर के। आपने अगर कभी पंखे वगैरह को बनवाने गए रहोगे अगर दुकान में, तो वहां पर देखा होगा उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉइल्स लगी होती है। इलेक्ट्रिक मोटर, अगर आप एग्रीकल्चरिंग या फार्मिंग करते हो तो आपने देखा होगा आपके पास जो मोटर होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉपर की वायर, कोई भी वायर बहुत ज्यादा ऐसे एक दूसरे के ऊपर लगी हुई होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपकी ऐसे कॉइल होती है, मतलब उसमें एन नंबर ऑफ वायर होगी। अभी तो हमने एक वायर के लिए निकाला है, ऐसे क्या पता उसके अंदर एन नंबर ऑफ वायर हो। तो एक वायर के लिए तो अपनी टॉर्क आ गई, जिसे हम इस साइन को हम टाउ कहते हैं, टाउ, ठीक है। चलो अभी हम बहुत सारी वायर के लिए चेक करते हैं, एन टर्न्स के लिए, बहुत सारे टर्न रहेंगे ना उसमें, तो उसके लिए हमने टाउ डैश ले लिया और एन इंटू टाउ डैश। अभी एक के लिए इतना है तो एन नंबर के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एन इंटू और आई L1 L2 बी साइन थीटा आ जाएगा। Where L1 and L2 is the, this is the length and this is the breadth of the rectangle. यानी कि length into breadth करोगे तो आपको मिलेगा area, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा area, इसके जगह में मैं A लिख दिया यहाँ पे। यानी कि total torque कितना मिल रहा है for the n coiled number, अगर मान लो n tons coiled कोई भी आपके मतलब n tons wire coiled किसी भी coil में, तो क्या होगा, n मतलब number show करता है, I current is the area of rectangle, यानी कि L2 and L आपका L1 और ये B magnetic field और sin theta आपका जो angle है, ठीक है, जो भी angle coil के साथ बनेगा इस तरीके से 90 फिलहाल बनता है, या जो भी बनेगा आपको given रहेगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ के रखनी है अच्छे से, ठीक है। सो यहाँ पे n I A B sin theta अच्छे से तुमको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका tau कहलाएगा, n I A B sin theta, this is the total torque producing or applying on the coil when that coil is moving, ठीक है, in between the north and south pole of the magnet or in the magnetic field, ओके। तो ये बात तुमको ध्यान रखनी, तो ये आपका magnetic field है, और इसमें से जब आप इसमें magnetic field के बीच में इस coil को लाओगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये move होता है, या आधा ऊपर और आधा इधर से नीचे, ये वाला फेज ऊपर जाएगा, ये वाला फेज नीचे आएगा, और ऐसा करके अपनी पूरी coil घूम जाती है आधी आधी, यानी टोटल मोमेंट हाफ रहता है ना, अभी देखा हमने यार, ठीक है, टोटल मोमेंट कितना रहता है, हाफ रहता है, ठीक है, L2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हाफ रहता है, तो ये हाफ मोमेंट से ऊपर नीचे बार बार होता है, और ऐसा करके कॉइल अपनी मूव करने लगती है, और एक बार कॉइल अगर मूव करने लग जाए तो करंट प्रोड्यूस होता है इससे, ठीक है, करंट प्रोड्यूस होता है। ये बात तुमको थोड़ा ध्यान रखनी है अच्छे से, ओके। तो ये था अपना इलेक्ट्रिक मोटर का जो फंक्शनिंग है, तो हमने देखा ही था इसके पहले 10th में, बट वो जो फोर्स था यहाँ पे, ये जो फोर्स था यहाँ पे पूरा का पूरा जो फोर्स है, वो कितना फोर्स इसमें अप्लाई होता है जिससे कि अपनी टावर जो ये कॉइल ये मूव करने लगती है, कितना फोर्स अप्लाई होता है जिससे कि अपनी ये जो कॉइल ये मूव करने लगती है, तो वही हमने आज टाउ को पता किया है। एग्जैक्टली टॉर्क मीन्स क्या, वही आपका फोर्स है, एग्जैक्टली ये फोर्स है, बट हम इसे टाउ कहते हैं क्योंकि ये दोनों तरफ, जैसे कि टॉर्क कब होता जानते हो, जैसे कि अगर मान लो कोई चीज मूव कर रही है, ऐसी कोई चीज है, तो आप इसमें आधा इधर से अप्लाई करो और आधा इधर से नीचे अप्लाई करो, और ये हाफ ऊपर जाए तो हाफ इधर नीचे आएगा, इनडायरेक्टली वो पूरा घूम गया, अगर हाफ इधर से ऊपर गया हाफ नीचे आया तो इनडायरेक्टली वो पूरा घूम गया ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। या इसी है, जैसे कि आपने अगर गार्डन में गए रहोगे तो यहाँ पे एक ऐसे देखो घूमने वाला होता है, यहाँ पे बैठने का और यहाँ पे बैठने का ऐसे घूमने वाला रहता है, ठीक है। सो अगर ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, समझ गया, और फिर ऐसे ही तब ये कैसे हो जाएंगे, तब ये इस तरीके से हो जाएगा, मान लो ऐसा हो गया ये, अभी सपोज दैट यार ऐसा हो गया, फिर अब आप इसमें एक बार और फोर्स लगाओ, ऐसा फोर्स लगाओ तो ये ऐसा नीचे आएगा, ये फिर से वापस घूम जाएंगे और ये ऐसे हो जाएंगे, समझ गया, फिर एक बार और फोर्स लगाओ ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे आएगा, तो फिर से कैसे हो जाएगा, ये फिर से आपका इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, फिर एक बार ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, तो फिर से ये एक बार ऐसे वापस से आ जाएगा। तो ये जो हाफ मूवमेंट है, ये टोटल जो मोमेंट आप कह रहे हो, इसको हाफ मोमेंट हो रहा है रियल में यहाँ पे, ठीक है, टोटल मोमेंट है ये, हाफ मोमेंट है, तो ये इसी को हम टॉर्क कहते हैं, यही जो फोर्स अप्लाई हो रहा है आधा आधा दोनों साइड में, और इसकी वजह से अपनी बॉडी मूव कर रही है, इसे हम टॉर्क कहते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है गाइस। तो ये था अपना पूरा टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है, जो भी आपके पास इलेक्ट्रो या फिर इलेक्ट्रिक मोटर था उसमें।
नाउ गाइस सेम वर्किंग मेथड है आपके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। अभी गैल्वेनोमीटर के बारे में हम अच्छे समझेंगे। एग्जैक्टली गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वही ये मतलब एक आपने 10th में भी सीखा है, 11th में भी सीखा है, ठीक है। तो ये बात मतलब करंट एंड वोल्ट मीटर जो होता है इनका एक फंक्शनिंग करवाता है, जैसे कि आपके पास वोल्ट मीटर हो गया और अमीटर हो गया, ये सब के सब गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। अब वोल्ट मीटर क्या करता है, आपका जो पोटेंशियल होता है किसी भी सर्किट का उसे फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। गाइस आप अगर प्रैक्टिकल में अगर हो तो बहुत अच्छे से सारी चीजें समझेंगे, आप इन्हें टच करके देख पाओगे क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल ही है। अब यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटली बेस्ड अपना थियरी रहेगी, एक्सपेरिमेंट बेस्ड डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा, तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज आपको तो प्रैक्टिकल में ही समझ सकते हो क्योंकि वो तो यहाँ पे मैं खुद भी दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो अमीटर है, अमीटर आपका करंट मेजर करता है। अब अगर आपने अमीटर देखा तो अच्छी बात है, वोल्ट मीटर देखा तो अच्छी बात है। अगर आपने देखा होगा गाइस तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर एक नंबर लिखे रहते हैं, यहाँ पे एक कांटा रहेगा ऐसे कुछ एक करके ना क्या ऐसा, और ये आगे पीछे मूव करके हमको एक नंबर देता है, हम उससे एक एनालिसिस करते हैं कि हाँ कितना वोल्ट मीटर कितना मीटर है, ठीक है। सो ये बात ध्यान देना अच्छे से, ऐसा कुछ होता है। तो जो वोल्ट मीटर और अमीटर ये गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल पे ही वर्क करते हैं, और जो गैल्वेनोमीटर होता है ना इसके अंदर भी क्वाइल होती है, एक क्वाइल होती है जो कि मूव करती है, और उसी क्वाइल की मदद से हम लोग कोई भी वैल्यू को पता कर पाते हैं। तो गाइस अगर क्वाइल है मूव कर रही है इसका मतलब उसके अंदर टॉर्क तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, जिसे हम टाऊ कहते हैं। तो टाऊ कितना होता है, कभी भी अगर किसी भी क्वाइल में मूविंग क्वाइल में प्रोड्यूस होता है तो NIAB साइन थीटा, इतना भी हमने फाइंड किया ना। अब इस फॉर्मूले को याद रखो, हर जगह इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। सो ये NIAB साइन थीटा, इतना ही टॉर्क किसी भी मूविंग कॉइल में इतना ही टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अगर मान लो कोई भी मूविंग कॉइल है और अगर उसमें एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो साइन 90 मतलब 1 होता है, तो साइन 90 यहाँ पे साइन थीटा मतलब 1 समझ लो अभी। तो NIAB ये आपका टोटल टॉर्क हो जाएगा, टोटल टॉर्क आपका हो जाएगा फॉर द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के केस में। अब आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। देखो गाइस यहाँ पे आपका ये हो गया मिरर, जिसमें से आप देख पाते हो कोई भी चीज को, मतलब एनालाइज कर पाते हो। ये आपका नॉर्थ एंड साउथ पोल है दोनों, इनमें इनके बीच मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता है आपको पता है। ये आपकी क्वाइल हो गई जो कि मूव करने वाली है, तो यहाँ पे 90 डिग्री ही बनेगा ना। तो आप टॉर्क तो समझ गया ना, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो टॉर्क आपको मैग्नेटिक फोर्स समझ गया। लेकिन इसमें हम एक वायर अटैच करते हैं जिसको हम लोअर सस्पेंशन कहते हैं। यहाँ पे एक दो चीजें से रहती है, ये रियलिटी में आप जब प्रैक्टिकल करोगे ना तभी आपको ज्यादा अच्छे समझेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बीच में यहाँ पे इस तरीके से कुछ आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे एक वायर्स होती है और उसके बीच में एक और वायर लगी होती है। जब ये कॉइल मूव करता है तो ये वायर कैसे गोल गोल घूमने लगती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास आपके हाथ में आपने एक स्ट्रिंग को पकड़ रखा है, आपने स्ट्रिंग पकड़ रखा है और इस स्ट्रिंग को ऐसा घुमाना स्टार्ट कर दो, तो ये रस्सियां घूमने लगेंगी ना अपने में ही। मतलब देखो जैसे कि आप कपड़े सुखाने के लिए डालते हो, तो एक इंसान इधर से पकड़ ले, एक इधर से पकड़ ले, और दोनों देखो कपड़े का पानी निकालने के लिए कैसा हम घुमाते हैं चारों तरफ से उसको, तो कैसा वो पूरा कपड़ा गोल गोल घूम जाता है। तो वो जो घूम गया ना उसको हम टॉर्सनल मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं ये वर्ड देखो, टॉर्सनल मूवमेंट मतलब एक तरफ से ये घुमाए एक तरफ से ये घुमाए, उसको हम टॉर्सनल मूवमेंट कहते हैं। और यही मूवमेंट से हमारे जो गैल्वेनोमीटर है ये बताता है कि कितना मूवमेंट हुआ, और जितना ज्यादा मूवमेंट होगा समझो कि उतना ज्यादा ये कॉइल मूव की रहेगी। कॉइल जितना मूव करेगी उतना ही ना ये गोल गोल घूमेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा तेज ये कॉइल घूमेगी उतना ही ज्यादा तेज आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा या फिर वोल्टेज भी होगा। तो इसी के दम पे हम लोग पता कर सकते हैं कितना वोल्ट मीटर है कितना मीटर है, वो अपना मीटर शो करता है हम लोग को ऊपर, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो गाइस ये जो टॉर्सनल है, जो आप इसके बीच का डिस्टेंस डी है, ठीक है, तो ये कितना गोल गोल घूमा कितना रोटेट हुआ, तो ये टॉर्क के ऊपर डिपेंड है ना। अब ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा अगर घूमने के लिए, टॉर्क मतलब फोर्स, ज्यादा फोर्स अप्लाई हो तो ज्यादा ये घूमेगा, यानी कि इनके बीच में एक डिफ्लेक्शन आएगा। डिफ्लेक्शन यानी गोल गोल घूमना, हुआ जो राउंड राउंड हो गया उसी को हम डिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो एक डिफ्लेक्शन आएगा, यानी जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। डिफ्लेक्शन को हम इस साइन से दिखाते हैं कुछ ऐसा, ये साइन से हम डिफ्लेक्शन को दिखाते हैं, ठीक है। ये बातें तुमको समझ के रखनी है, ओके। तो डिफ्लेक्शन को हम लोग इस चीज से दिखाते हैं गाइस, ठीक है। तो यही चीज आपको थोड़ा समझ के रखनी है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा यहाँ पे डिफ्लेक्शन। करंट मतलब जितना तेज करंट होगा उतना ही तेज ना आपका टॉर्क रहेगा, तो उतना तेज ये भी आपका रोटेट होगा। समझ में आई बात, यानी कि जितना रिस्टोरिंग टॉर्क होगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना हमें पता चलेगा कितना करंट हुआ कितना अमीटर प्रोड्यूसर कर रहा है। समझ रहे हैं, तो वही बातें हैं यहाँ पे। तो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा डिफ्लेक्शन को, जितना टॉर्क उतना डिफ्लेक्शन, जितना टॉर्क उतना यहाँ पे मूवमेंट का डिफ्लेक्शन। समझ रहे हैं मेरी बातें, ओके। अब हम इस कॉन्स्टेंट साइन को हटाने के लिए यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट ऐसा के लिख देते हैं, और ये जो के रहेगा इसको हम टॉर्सनल कॉन्स्टेंट कहेंगे, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना मिला आप लोग को, टॉर्क कितना मिला, NIAB इज इक्वल टू के फाई, वेयर फाई इज दी
डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्शन आपकी वायर में हो रहा है जो मूविंग कॉइल में लगा होता है। अब अगर काश आपके पास रियल में कैल्विनोमीटर होता तो आप देख पाते किस तरीके से यहाँ पे एक वायर लगी होती है जो घूमती है, ठीक है, ये बात आपको पता चलता है, लेकिन फिर भी नहीं तो इमेजिन कर सकते हो ना यार, इतना थोड़ी सब कुछ सबके पास नहीं होता है, ठीक है। तो ये एन आई ए बी इक्वल टू के फाई आ जाएगा। अब ना यहाँ से निकाल लो आप डिफ्लेक्शन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एन आई ए बी अपॉन के, वेयर नंबर यानी कि कितना कॉइल में आपका यहाँ पे नंबरिंग है, कितने टर्न है, फिर एरिया भी कांस्टेंट रहने वाली कॉइल की, लेंथ इनटू ब्रेथ कांस्टेंट जो भी होगा फिक्स ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ और साउथ के बीच में फिक्स रहने वाला है, के तो कांस्टेंट है ही है जो कि टॉर्सनल कांस्टेंट है, यानी दीज ऑल थिंग इज द कांस्टेंट। सो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो डिफ्लेक्शन है वो क्या रहेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आपके करंट को। समझ में आई मेरी बात? अब देखो जैसे कि अगर मान लो ए इक्वल टू के बी है, वेयर के इज द कांस्टेंट, तो हम ए और बी को इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर मान लो ऐसा है तो हम इसको इक्वल टू के बी ऐसा लिख देते तो इक्वल साइन मिल जाता है, तो अगर ये घटाऊंगा तो ये बन जाएगा और ये लाऊंगा तो फिर से इक्वल वाला बन जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ से ये कांस्टेंट है ना, वो के जगह में यहाँ पे ये कांस्टेंट है पूरा, तो इसको मैंने कांस्टेंट साइड में कर दिया और अपने को ये मिल गया, मतलब जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। समझ में आया? कम करंट तो कम डिफ्लेक्शन, दैट्स इट, यही है आपका यहाँ पे पूरा फंडा इस चीज का, ओके। तो इस चीज को गाइस आपको अच्छे से जान के रखना है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये क्या होता है, आपने इस चीज को 11th में पढ़ा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब क्या, आपके पास एक मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ मैग्नेट या आपका साउथ मैग्नेट, तो इनके बीच में जब कभी भी आप एक लेंथ होता है, देखो यहाँ पे एक ऐसा, ठीक है, आपके इसमें से करंट जाएगा, एरिया भी होगी, तो मैग्नेटिक डाइपोल मतलब एक पोल ये, दूसरा पोल ये, और इन पोल के वजह से जो भी मोमेंट हो रहा है वो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। इस चीज को हम एक साइन कहते हैं जिसका नाम है म्यू, एम यू, म्यू, ठीक है, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नेटिक डाइपोल अगर ये इधर से मूव कर रहा है और ये इधर से मूव कर रहा है, इनडायरेक्टली ऐसा फोर्स टॉर्क कहलाता है, अगर हाफ इधर को जाए हाफ इधर को जाए, ये दोनों फोर्स है, तो ये दोनों फोर्स टॉर्क कहलाते हैं, तो यानी कि डाइपोल मोमेंट ही आपका टॉर्क है। डाइपोल मीन्स दो पोल का मूवमेंट, एक नॉर्थ पोल का मूवमेंट, एक साउथ पोल का मूवमेंट, ठीक है, जिसको हम म्यू से दिखाते हैं मैग्नेट के केस में। और अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो तो हम उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हम इसके बारे में भी देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए अपने को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, समझ गया? तो ये बातें तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी, ओके। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमको पता है कि म्यू इज इक्वल टू एन आई ए से मिलता है, हमने 11 में सीखा था, आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। अब इसका अलग से पूरा इतना बड़ा डेरिवेशन है, जाओ यार मैग्नेटिक वाला चैप्टर आपको मिल जाएगा मैग्नेटिज्म करके, तो वहां पे जाके 11th में पढ़ लो, ठीक है। बहुत चिंदी फिर दो लाइन की चार लाइन की डेफिनेशन है इसकी, मतलब डेफिनेशन नहीं थियरी पूरी, ठीक है। सो एन आई ए, ठीक है, एन आई ए, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न, आई मीन्स करंट, ए मीन्स क्या होता है एरिया, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, वेयर आई इज द एरिया, आई इज द करंट, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, समझ गया? ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं फटाफट। तो अगर गाइस मान लो कोई आपके पास कॉइल है, इट्स सो सिंपल, और अगर मान लो मैं कहता हूं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब ना चेंज होने वाला, ठीक है, यूनिफॉर्म है, ना चेंज होने वाला है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टॉर्क होगा सिर्फ उसी की वजह से फिर अपनी कॉइल मूव करेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मतलब सिर्फ मूव, अभी ये टॉर्क किसके दम पे घूम रही है, अपनी कॉइल किसके दम पे घूम रही है, सिर्फ टॉर्क के दम पे घूम रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डाइपोल आ रहा है, एक पोल ऊपर एक पोल नीचे गया, जो ये डाइपोल आ रहा है ये सिर्फ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से हो रहा है, तो म्यू बी साइन थीटा ये टोटल टॉर्क कहलाएगा। अब इसके वजह से ये अपनी कॉइल मूव करती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है सो टॉर्क ही रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट ऑफ द कॉइल के लिए, तो टाउ इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा आपका बन जाएगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर गाइज मैं इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो म्यू वेक्टर फॉर्म में और ये आपका बी वेक्टर फॉर्म में, तो साइन थीटा गायब हो जाएगा, क्योंकि अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहे हो तो साइन थीटा गायब, अगर फिर से मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखो तो साइन थीटा अपने आप आ जाता है, ये आपको पता है क्रॉस के लिए साइन थीटा आता है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये आपको मिल जाएगा, वेयर म्यू इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो यही सेम टॉर्क सेम तरीके से रहेगा, बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा मैग्नेटिक की जगह में और यहाँ पे म्यू की जगह में पी आ जाएगा, वेयर पी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो सेम ही होता है टॉर्क, चाहे इलेक्ट्रिक की बात करो चाहे मैग्नेटिक की बात करो, हाँ बस यहाँ पे म्यू बी आता है, यहाँ पे पीई आ जाता है, दैट्स इट। अगर आपको मैं टॉर्क की बात करूं तो टोटल यहाँ पे पीई साइन थीटा आप लिखोगे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, एंड यहीं पे टॉर्क इज इक्वल टू आप म्यू बी साइन थीटा लिखोगे, ठीक है, फॉर किसके लिए, फॉर मैग्नेट के लिए, फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए, और ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट के लिए होता है, बस इतना ही आपको याद रखना है। चलो दोनों के लिए थोड़ा सा और अच्छे से आपको बता दूं कि अगर हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा था, जो कि हम यू से दिखाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब या जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी,
इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम यू से दिखाते हैं, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, तो ये भी हमारे डाइपोल मोमेंट से ही एसोसिएटेड होती है, ठीक है। तो ये बात तुमको समझना है। तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा किससे गिवन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो किससे गिवन है, वो यू इज इक्वल टू माइनस पीई बार। अब देखो ये पीई क्या हो गया, ये आपका टोटल हो गया क्या, ये आपका इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। बस निगेटिव ऑफ वैल्यू आपको यहाँ पे लगानी है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज दी निगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। एंड इन द केस ऑफ मैग्नेट सिमिलरली द पोटेंशियल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे नाम क्या बोलोगे, मैग्नेटिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, याद रखो अच्छे से। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द निगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो गाइस कौन सा यहाँ पे प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। तो ये बात हमको थोड़ा सी याद रखनी है, ठीक है। चलो इनके डायरेक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, डायरेक्शन एग्जैक्टली कैसा होता है। तो केस वन देखो, अगर मान लो आपका, मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज दैट ऐसे ही। तो अगर मान लो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान देना आपकी बुक में ऐसा नहीं दिया है बिल्कुल भी, अगर मान लो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और आपका मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में रहा, अगर आपका दोनों का डायरेक्शन सेम रहा, तो दीज आर दी पैरेलल, और पैरेलल केस में थीटा क्या होता है, जीरो होता है, और थीटा जीरो होगा तो कॉस जीरो क्या होता है, अभी निकाला ना यहाँ पे कॉस की वैल्यू, इसके लिए भी सेम लिख लो, इसके लिए भी यहाँ पे सेम लिख लो, यू इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, बिकॉज हियर इज डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट के केस में यहाँ पे कॉस थीटा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी, तो आपका एंगल क्या बनेगा, थीटा जीरो बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो क्या होता है, पूरा जीरो ही हो जाएगा, मतलब जो थीटा जीरो है तो कॉस जीरो क्या होता है, वन, कॉस जीरो यहाँ पे वन आएगा तो माइनस म्यू भी बचेगा, मतलब दिस इज द मिनिमम, माइनस आया ना, मतलब वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलती है अगर दोनों पैरेलल रहेंगे तो, आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड और आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल रहेंगे, यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी। इन द केस ऑफ गाइस सेकंड केस, अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा है तो आपका जो आपका अगर मैग्नेटिक मान लो डाइपोल मोमेंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर जा रहा है यानी उल्टा डायरेक्शन में है, तो यानी कि थीटा 90 हो गया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मतलब कुछ ऐसा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है तो आपका डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 180 का बन रहा है, समझ रहे हो ना, ऐसा वही चीज है ना यहाँ पे। अब वायर तो एक ही होगी ना, मैंने यहाँ पे दो से दिखाया है बस, तो थीटा इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, तो यहाँ पे 180 पुट करोगे और कॉस 180 क्या होता है, माइनस वन होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वन, और ये माइनस ऑलरेडी है, इक्वल करके सॉल्व करोगे तो ओनली म्यू बी आएगा, विच इज इन दी पॉजिटिव मैनर, और पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आपको दोनों केस मैंने बता दिया, केस वन एंड केस टू दोनों में आपको पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। तो कभी भी इतनी बात याद रखना, कभी भी अगर डाइपोल मोमेंट की बात आती है तो डाइपोल मोमेंट अगर आया, अगर मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है यू, और अगर इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है यू, दोनों के लिए सेम है। बस इसके लिए आपको यहाँ पे पीई लगाना है और इसके लिए यहाँ पे आपको म्यू बी लगाना है, दैट्स इट, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड ई इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड म्यू इज द मैग्नेटिक मोमेंट एंड पी इज द इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट, समझ गया। तो इन चीजों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये 11th के कॉन्सेप्ट थे और कुछ नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगला वीडियो बहुत ही मजेदार होगा, इन वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखोगे तो ही आपका फायदा है, अगर 1-2 बार देख के सोचोगे कि मेरा हो जाएगा तब तो नहीं होने वाला है, मैं खुद बता रहा हूँ। क्योंकि देखो फिजिक्स में इन चैप्टर में इमेजिनेशन चाहिए, क्या चाहिए, जितना ज्यादा इमेजिनेशन कर पाते हो उतना ज्यादा फायदे में रहोगे, इमेजिनेशन नहीं कर पाते तो फायदे में नहीं रहोगे। सो सिंपल एकदम बात आपको ध्यान रखनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।